ये सोच रहा होगा ये मेरी प्रजाति के इंसान कहाँ से आ गए। एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय लवली पीपल्स। और सही में आज बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह उठ के थोड़ी बहुत वॉक कर ली है मैंने, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाया, लेकिन जो किया ठीक किया, जितना किया अच्छा किया। और किसी ने सही कहा है कि अगर सुबह जल्दी उठोगे तो सक्सेस हमेशा आपके साथ रहेगी। बाकी अपनी कोशिश ये जारी रहेगी कि हम हमेशा सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज वगैरह कर सकें। और सुबह उठना जल्दी होना भी अच्छा है, उठना अच्छा है, जो क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है सुबह सुबह, और जो आप एक्सरसाइज करते हो वो आपके माइंड में एक केमिकल रिड्यूस करती है, जिससे मतलब जनरेट करती है केमिकल, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका गेन होता है और विल पावर बढ़ती है, और आपको मतलब खुद ही अब बहुत कुछ बहुत अच्छा लगता है अपने आप में ही। और मैंने जो कल वीडियो डाली थी, जो मेरा इससे पहले वाला व्लॉग है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, क्योंकि कल एक कहानी मैंने आपको ऐसी बताई है कि मतलब हमें उन लोग को भी याद करना चाहिए जिन लोग ने अपनी कुर्बानी दी है अपने देश के लिए, हमारे लिए अपनी जान दांव पे लगाकर अपनी जान गंवाई है। तो उन लोग को भी यार इस क्वारंटाइन में थोड़ा याद कर लेना चाहिए। और हम अपनी बिज़ी लाइफ में इतना बिज़ी हो गए थे कि सबको यार अपनी परेशानी ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़ी लगती है सबको, लेकिन उन लोग को सोचो कि जिन लोग के घर परिवार में कोई उनको छोड़ के चला गया है, और जितने भी देखो हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने भी शहीद होते हैं, उन घर के परिवार के बारे में सोचो। मिर्जा बनोट भी एक ऐसी शख्सियत है। बस यार बहुत मैंने मूवी देखी है, कम से कम 2 बार 3 बार, और मतलब कल नहीं देखी, कल से पहले भी बहुत बार देखी है, लेकिन कल बहुत रोना आया यार मेरे को, बहुत ज़्यादा रोना आया। और मे भी हो सकता है कि मैं थोड़ा अपने आप को अच्छे से फिट करके एविएशन के मुताबिक, तो मैं हो सकता है मैं भी एविएशन में जाऊँ, क्योंकि ये भी मेरा एक सपना है, जो कि मेरे को लगता है कि मेरे को जाना मतलब मुझे पसंद है एविएशन। जब तक किसी भी चीज़ के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, वो तब तक चीज़ सक्सेसफुल रहती नहीं है, होती नहीं है वो सक्सेसफुल। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो तब तक आप उसको फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ मेरे साथ है, जब तक एविएशन के लायक नहीं बन जाते तब तक एविएशन में घुस नहीं सकते। ये बातें तो चलो होती रहेंगी अब, लेकिन कुछ व्लॉग्स ऐसे भी हैं जो कि मैंने बनाए हैं लेकिन मैंने डाले नहीं है। होपफुली पता नहीं आपको अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर डालूंगा तो शायद अच्छे लग भी सकते हैं। कुछ रेसिपी हैं जो कि मैं खुद बनाता हूँ, और मुझे बहुत शौक है खाने का भी, मतलब खाना बनाने का, इतना नहीं कि खाते ही रहता हूँ, खाना बना के और दूसरों को खिलाने का बहुत शौक है। और कुछ रेसिपीज़ शूट की हुई हैं मैंने, आप कहो तो डाल दूँ इस व्लॉग में। अब मेरा मन करता है कि नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहो खाने के ऊपर, कि हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने पर कुछ अच्छा ही बन जाए, कुछ अलग बन जाए। हर जगह शांति है, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, अगर आपको ध्यान से सुनाई दे रहा होगा, सुनी। ये अंकल जो हैं रोज़ सुबह छत पे आते हैं और ये लंबी छलांग मारते हैं, छलांग मार मार के एक्सरसाइज करते हैं। गलती से अंकल को आंटी, मतलब सॉरी आंटी को अंकल बना दिया, मुझे पता नहीं था कि कहाँ से आंटी आ गई, अंकल शायद नीचे चले गए। तो चलो गाइस, बातें तो होती रहेंगी, पूरा दिन व्यतीत करना है व्लॉग के साथ, और आपको भी अच्छा दिखाना है व्लॉग। और अभी नीचे जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहा धो के फिर आपको मिलता हूँ। हाँ, तो हम हो गए रेडी, नहा धो के नीचे से ऊपर आ चुके हैं, और इस बीच दूध लेने गए थे बाहर, और मैदा लेने गए थे, आटा लेने गए थे, सब चीज़ें लेकर आ गए हैं घर पे, और अभी बनने वाले आलू के पराठे, आलू के पराठे बनेंगे अभी, फिर दिखाते हैं आपको, आप भी टेस्ट करना कैसे हैं, कैसे बने हैं। ये देखिए मज़ेदार पराठा आलू का, कितने अच्छे से सिखा हुआ है अंदर तक।
बड़ा मज़ेदार पराठे बने थे, खा के मज़ा आ गया। और सिर्फ दो ही खाए मैंने, ज़्यादा नहीं खाए। पेट को इतना मत भरो कि आपका पेट फट जाए। ये रसगुल्ले बन रहे हैं वाइट कलर के, स्पंज वाले हैं। इसकी रेसिपी बाद में दिखाएंगे। गुल्ले को पलटते हैं। माय गॉड, इस समय बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये गॉगल पहना हुआ है और मेरे को बताना ये सूट करता है मेरे ऊपर या नहीं करता। वैसे तो करता ही है, हर चीज़ सूट करती है अपने पे, बस थोड़ी और फिटनेस हो जाए तो मज़ा आ जाए। और अभी आपने देखा कि स्पंज रसगुल्ले बन रहे हैं, मेरे पापा बना रहे हैं। और मैंने कहा था कि मुझे बुला लेना रेसिपी के टाइम पे, लेकिन मुझे बुलाया नहीं, अपने आप चालू हो गए और मैं ऊपर गेम खेल रहा था भाई के साथ। लेकिन जो भी कहो यार, आपके लिए सब रेसिपी दिखाऊंगा। और एक चीज़ और है इस व्लॉग में, मैं बहुत पुरानी एक कॉफ़ी है, डालगोना कॉफ़ी, आपने सुनी होगी और बहुतों को पता होगा, सबको पता होगा। मैंने ट्राई करी है लेकिन घर पे, और बहुत ही अच्छी बनी थी। आपके मतलब इस व्लॉग में मैं वीडियो डालता हूँ, ज़रा आप देखो ज़रा। तो ये मैंने बाउल ले लिया, एक बड़ा सा चम्मच ले लिया है, और ये कॉफ़ी के पाउच हैं, 8 पीस हैं ये। 8 पीस मैंने इसलिए लिए कि थोड़ी ज़्यादा बनाऊँगा, मैं अकेला नहीं पीऊँगा, मम्मी को भी पिलाऊँगा। और छोटा सा ग्लास है, इसमें आधा ग्लास पानी मैंने डाल रखा है, पानी तो बहुत ही कम मिलाना है। और ये शुगर, चीनी, मैंने 4 पाउच इसके अंदर डाले हैं, देखते हैं इसका बना के देखते हैं, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाया, ज़्यादा नहीं, बस। और इसको हम मिलाएंगे अच्छे से ऐसे, और मिलाते रहेंगे। तो अब इसको हम कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट तक ऐसे ही घुमाते रहेंगे। कितनी गाढ़ी हो गई है, क्रीमी। अब यही डलेगी कॉफ़ी के अंदर। इसको हम उठा के इसके अंदर ऐसे ही डाल देंगे ऊपर से। टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। बहुत ही टेस्ट, देख रहे हो क्या मज़ेदार, ऊपर तक टिकी हुई टॉप में। तो कैसी लगी आपको, मे भी अच्छी लगी होगी, और आप भी ट्राई करके देखना, क्योंकि डालगोना कॉफ़ी का मज़ा आता ही थोड़ा चीनी की चरचराहट से है। और थोड़ी बहुत चीनी रह जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डालगोना कॉफ़ी का मतलब ही यही होता है, थोड़ी बहुत चीनी की चरचराहट मुँह में आनी चाहिए। और बस यार मैं क्या बताऊँ, इतनी रेसिपी मैंने ट्राई करी है, और मतलब मेरे को आती थी ऐसी बात नहीं है, और बहुत बढ़िया बनी है। पनीर की सब्ज़ी आपको दिखाऊंगा, कोफ्ते की सब्ज़ी दिखाऊंगा, और मैंने चाप की सब्ज़ी बनाई थी, चाप की भी सब्ज़ी दिखाऊंगा। और व्लॉग धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे, जल्दी जल्दी व्लॉग बनाएंगे ताकि हमें व्लॉग डालने का मौका मिल सके और आपको व्लॉग दिखाने का मौका मिल सके। कुत्ते को हम बड़े परेशान करते हैं, ये जब भी छत पर आ जाते हैं तो हमारा शिकार ज़रूर बनता है कुत्ता।
ये सोच रहा होगा ये मेरी प्रजाति के इंसान कहाँ से आ गए। मैं क्या कह रहा था, कृपा बरसाओ और लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो प्लीज़। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, और इसी के साथ हमेशा मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, और अपने आप से बहुत प्यार करो, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड्स। ओके टाटा बाय बाय, और इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं हम।